taught you that the postmaster collected some money, but it was impossible for him to gather together the 100 pieces. लेकिन 100 पैसे उसके लिए एक साथ एकत्रित करना असंभव था. So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए उसने किसान के लिए आधे से कुछ अधिक पैसे भेजने में ही सक्षम हुआ. He put the money in and envelope addressed to Lenko. उसने पैसों को लिफाफे में बंद किया और उस लिफाफे पर लेंको का पता लिखा. With it a letter containing और उसी के साथ एक पत्र भी संलग्न किया. Only a single word on as a signature. केवल उस पर एक मात्र शब्द सिग्नेचर के रूप में लिखा गॉड ईश्वर. द फॉलोइंग संडे लेंको came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. आगामी रविवार को लेंचो सुबह से कुछ पहले ही पोस्ट ऑफिस में यह पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है. इट वॉज द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. यह डाकिया था जिसने खुद ही लेंचो को वह पत्र दिया. व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डीड. और स्वयं पोस्ट मास्टर अपने पोस्ट ऑफिस से एक अच्छा काम जिसने किया था, इस लिहाजे से उस व्यक्ति की संतुष्टि को देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. उन पैसों को देख करके लेंचो ने थोड़ी भी हैरानी या थोड़ा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. ऐसा ही उसका विश्वास था, ऐसी ही उसकी आस्था थी. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो क्रोधित हो गया. गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक. भगवान गलती नहीं कर सकता है. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. और नहीं लेंचो ने जो उसे आग्रह किया है उसको अस्वीकार कर सकता है. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो. इसलिए तुरंत ही लेंचो डाक घर की खिड़की पर गया टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग, कागज और स्याही मांगने के लिए. ऑन द पब्लिक वर्किंग राइटिंग टेबल और जनसाधारण के बैठकर लिखने वाली मेज पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट. उसने पत्र लिखना शुरू किया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. अपने भौहों को कुछ सिकोड़ते हुए. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया. ऐसा उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ता था. व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प. वह खिड़की पर एक टिकट खरीदने के लिए गया. हिच लिक्ड, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया. एंड देन एफिक्स टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और तब उसने उस टिकट को उस पत्र पर अपनी मुट्ठी से दबाकर साट दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस क्षण
पत्र को उसने डाक वाले डिब्बे में डाला। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। तो डाकिया उसको खोलने के लिए गया। इट सेड, उस पत्र में कहा गया था कि गॉड ईश्वर ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जिस पैसे को मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसेस रिस्ड मी, उसमें से मात्र 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, बाद बकिए पैसों को भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इनकी मुझे बहुत ही जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, क्योंकि परंतु इसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए पंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वे धोखेबाजों के समूह हैं। इसके बाद उसने अपना सिग्नेचर किया लेंचो।